देखिए जो भाजपा में नहीं है वो एंटी नेशनल है, जो किसी भी चीज का विरोध करता है वो एंटी नेशनल है, उसको वही दे देते हैं, वो हिंदू विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इस सरकार से कि हमें अपने देश से कितना प्यार है, हम भारत माता की जय कितनी बार बोलते हैं, हम वंदे मातरम कितनी बार बोलते हैं, कितनी बार हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, हमें उन लोगों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये लोग जो है जो इनकी बात नहीं मानता है, जो भाजपा के एजेंडे पे नहीं चलता है, उसको राष्ट्र विरोधी का सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं ये लोग। अब किसानों को पढ़ाएंगे किसान कानून क्या होता है, इतनी ऐसी कौन सी जिद है, ये थोप नहीं है किसान के ऊपर, जब वो नहीं चाहते बात खत्म हो गई, सरकार को ऐसी क्या जिद है। बाकी चीजों में जनता ने कॉपरेट किया ही ना, नोटबंदी में कॉपरेट किया, जीएसटी में कॉपरेट किया, उन्होंने कहा थाली ताली बजाओ वो भी बजाई, कोविड टाइम में लॉकडाउन में कॉपरेट किया, इसमें किसान जो उनकी उनके अस्तित्व का सवाल है यहाँ पर, उसके पास कोई किसान के पास धरने के सिवा कोई चारा नहीं है और कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जब तक कि कानून वापस नहीं होते। लेकिन किस सरकार को झुकना पड़ेगा, किसान नहीं झुकने वाले, ये लोग पूरी तैयारी से आए हैं, 26 जनवरी भी यहाँ मनाने की तैयारी हो रही है, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, परेड यहाँ पर निकालेंगे, सरकार को ही झुकना पड़ेगा। 70% पॉपुलेशन है, इन्हीं किसानों ने सरकार बनाई है, तो ये सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं, इरादे मजबूत हैं, कोई हटने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं देश के हर कोने से समर्थन मिल रहा है, उत्तराखंड से इतनी बड़ी संख्या में अभी लोग पहुंचे और मैं भी खुद उत्तराखंड से हूं और यही लगातार आ रही हूं, बिल्कुल सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि जिस कानून को लेकर के विपक्ष गुमराह कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, अपने कार्यकाल में वो इसको लाना चाहते थे उस टाइम पर, तो अब ये ले आए ना। देखिए अब इनकी सरकार है, विपक्ष की बात करने से कुछ नहीं होने वाला, विपक्ष ने अपना काम किया, विपक्ष ने नहीं किया होगा तभी सत्ता से बाहर है ना। आप भी सत्ता से बाहर नहीं होना चाहते तो कृषि कानून जो वापस ले लीजिए, आप जो तीनों काले कानून है इनको वापस ले लीजिए, इसका नाम ही गलत है, कृषि कानून नहीं है ये, उद्योगपति बचाओ कानून है, उद्योगपति बढ़ाओ कानून है। तो सवाल ये है कि जब कांग्रेस इसको लाना चाहती थी तो अब कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? लाना चाहती थी, ये जो फॉर्मेट है, मुझे कांग्रेस के बिहाफ पे मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये तीनों के तीनों चीज़ें गलत है। इंस्टीट्यूशनल फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं ये लोग, ये गलत है, ये किसान विरोधी है, और किसान छोटा इस किसान ना एग्रीमेंट पढ़ पाएगा, ना शिकायतें कर पाएगा, ना अपनी पेमेंट के लिए लड़ पाएगा, तो बहुत ही प्लस एमएसपी जो है इसको कानून बनाना चाहिए, सिंपल सी बात है, इसको लागू कर लें और चीज़ें हो जाएंगी। कह रहे हैं हम एमएसपी लिखित में देने के लिए तैयार हैं, संशोधन करने के लिए तैयार हैं, फिर भी नहीं मान रहे हैं किसान। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई नियत है, वर्बली कह रहे हैं, अभी तक कोई रिटर्न की मेरी नॉलेज में नहीं है कि ये लोग इसको संशोधन करने को तैयार हैं। ले लें किसानों से, ले लें क्या क्या संशोधन करने की जरूरत है और उसे कर लें उस हिसाब से। लेकिन इस तरह से ये आंदोलन कब तक चलेगा आपको क्या लगता है? जब तक सरकार जो है ये काले कानून वापस नहीं लेती तब तक चलेगा, क्योंकि किसान कोई कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। तमाम लोग कह रहे हैं, कुछ टेलीविजन में पत्रकार भी कह रहे हैं कि एंटी नेशनल लोग हैं, ये देश के खिलाफ ताकतें हैं जो खड़ी हैं आज सड़कों पर। देखिए जो भाजपा में नहीं है वो एंटी नेशनल है, जो किसी भी चीज़ का विरोध करता है वो एंटी नेशनल है, उसको वही दे देते हैं, वो हिंदू विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इस सरकार से कि हमें अपने देश से कितना प्यार है, हम भारत माता की जय कितनी बार बोलते हैं, हम वंदे मातरम कितनी बार बोलते हैं, कितनी बार हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, हमें उन लोगों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये लोग जो है जो इनकी बात नहीं मानता है, जो भाजपा के एजेंडे पे नहीं चलता है, उसको राष्ट्र विरोधी का सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं ये लोग। मैं नहीं आता कि इनको रद्द करने में प्रॉब्लम क्या है, रद्द कर दें, फ्रेश बात कर लें, किसानों के हाथ में दे दें, जब किसानों का कानून है तो किसानों से पूछेंगे ना, ये लोग कौन होते हैं इन चीज़ों को पूछने वाले। और अब ये लड़ाई खाली किसानों की नहीं है, पूरे देश के उपभोक्ताओं की है, आप भी हैं हम भी हैं। जब हमें 100 रुपये किलो गेहूं खरीदनी पड़ेगी तो हम सबको पता चलेगा कि इस किसी काले कानून के साइड इफेक्ट्स क्या है। सरकार ये भी तो कह रही है कि हमारे समर्थन में भी लोग आ रहे हैं, कृषि कानून के समर्थन में भी किसान आ रहे हैं, कुछ किसान संगठन आ रहे हैं, बिल्कुल फर्जी किसान है, क्योंकि हमारे ही उत्तराखंड के एक जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, वो हमारे यहाँ से लेके आए थे, जो उनके कार्यकर्ता थे उनको पगड़ियाँ पहनाकर, जो वहाँ का खनन माफिया है, जो वहाँ के सड़कों के ठेकेदार हैं, उन लोगों को पगड़ियाँ पहनाकर किसान बना के यहाँ लाया गया था, उनमें से काफ़ी लोग किसानों से माफ़ी मांग चुके हैं। आज भी नरेंद्र सिंह तोमर जी का बयान आया, कह रहे थे कि भ्रम की स्थिति है, समझाएंगे हम लोगों को। पहले
इसको कैंसिल करें फिर समझाएं जो करना है। भाई किसान रोटी खा के खुश हैं, हमें पिज्जा पास्ता मत दिखाइए। जो हमें 5 साल बाद कोई पिज्जा पास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका लालच मत दीजिए। किसान अपनी सूखी दाल रोटी से खुश है, उनको वही रहने दीजिए। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, जैसे दिन है वैसे ही रहने दीजिए। कह रहे हैं कि गंगा की तरह पवित्र नियत है हमारी किसानों के लिए, मोदी जी अगर पवित्र है तो कैंसिल कर दें। क्यों फोर्स क्यों करना चाहते हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती थोपना क्यों चाहते हैं? किसानों का कानून है, किसान नहीं चाहते हैं वापस ले लीजिए। पागल तो नहीं है ना, अपने बीवी बच्चे परिवार छोड़ के यहाँ किसान बॉर्डर पे बैठे हैं। एक दिन तो सड़क पर सो के देखें क्या सोना होता है सड़क पर। यहाँ देखे तो हालत तो देखें, वहाँ बैठ के कह रहे हैं ये आतंकवादी हैं, ये पिज्जा पास्ता खा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मोदी जी 10 लाख का सूट पहने, 1000 करोड़ का प्लेन खरीदे कोई ना पूछे, इनकी गाड़ियों से इनके खाने पीने से भी परेशानी हो रही है। किसान सेवा करना जानता है, अपनी बात मनवाना चाहता है और अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। यहाँ जोश देख के आप खुद देख सकते हैं कि किसानों में कितना जोश है, कितना आपसी भाईचारा आपसी प्यार है। पूरे देश से किसान आ रहे हैं और किसान सरकार के पास कोई और उपाय नहीं है इसको वापस लेने के सिवा। सरकार अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये किसान आंदोलन है। कह रहे हैं थोड़े से किसान हैं, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। 25 किलोमीटर जाम उधर लगा हुआ है सिंघू बॉर्डर पर, 10 किलोमीटर यहाँ लगा हुआ है, अब भी उनको नहीं दिखता तो कब दिखेगा? उनकी इंटेलिजेंस है, उनके पास मीडिया है, आप लोग हैं, देखें पता करें क्या है। इतनी सर्दी में इतनी ठंड में यहाँ बैठा हुआ किसान बैठा है तो बेवकूफ तो नहीं है ना? अब किसानों को पढ़ाएंगे किसान कानून क्या होता है? उनको समझ है, सब समझदार हैं, सब इस बात को समझते हैं। क्या लगता है तो आपको कि क्या कोई मजबूरी लगती है सरकार की जो वो ये कानून रद्द नहीं करना? बिल्कुल, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से उन्होंने डोनेशंस ले रखी हैं जो शायद वापस करनी पड़ेंगी अगर वो ये कानून लागू नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं। रेलवे उनको दे दिया है उन्होंने, रेलवे पटरी के पास वो लोग वेयर हाउसेस बना रहे हैं वहाँ पर, तो शायद उन लोगों का नुकसान जो है इनको नुकसान होगा, इसी वजह से वापस नहीं लेना चाह रहे हैं, जिद बना ली है इसको। मोदी जी कह रहे हैं कि निवेश बढ़ेगा ये कानून लागू होने के बाद, आय दुगनी हो जाएगी किसानों की, तो कहाँ हुई है दुगनी? क्या चीज सस्ती कर दी है? कुछ भी नहीं किया इन्होंने तो। कौन सी हर चीज में कोई एक आइटम बता दीजिए जिसके दाम कम हुए हैं उस सरकार में, आय कहाँ से दुगनी हो जाएगी लोगों की? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 40 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में मर चुके हैं। क्या हुआ है अभी तक में? डीजल बढ़ा दिया है, GST आपने लगा दी है, किसान अपनी ज़मीन किसी को बटाई पे देगा उसके ऊपर GST लगा दी है, तो किसान बैठ के क्या ये एग्रीमेंट ही करता रहेगा और यही सब चीज़ें पढ़ता रहेगा? स्मृति ईरानी कह रही थी कि हमारी सरकार किसानों के हित में बहुत काम कर रही है, 1000 करोड़ रुपए दिया गया है किसान सम्मान निधि योजना के तहत और तमाम योजना, पता नहीं कहां से है वो, शायद कुछ हिस्सा जो है 1-2% जो इन्होंने कृषि इंश्योरेंस के नाम पे किसानों से लूटा था उसी का थोड़ा बहुत हिस्सा वापस अगर कर दिया भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो कितने किस्से याद है, एक बड़ा किसान उसने क्लेम किया था उसको कुछ फसल में नुकसान हुआ था, 1 रुपए का चेक उस तक पहुंचा, झांसी के किसान का, उसने हाथ जोड़ के वापस कर दिया भाई मुझे नहीं चाहिए 1 रुपए का किसान के 1 रुपए के चेक के लिए मैं ये करूंगा। तो ये तो स्थिति है, ये जो दिखाने में किसान की जो सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, जो कि उपभोक्ता फ्रेंडली नहीं है, किसान फ्रेंडली नहीं है, इन लोगों के बारे में नहीं सोचते, कुछ उद्योगपति घरानों के हाथों में नाच रहे हैं। बिल्कुल, बहुत लोगों को रोका गया है, उत्तराखंड में ही हमारे यहाँ 1200 किसानों पर केस दर्ज हो गए हैं, तो तोड़ने की कोशिश कर ही रही है। जब बहुमत आपके पास है अब क्यों नहीं समझा पा रहे किसानों को? अब समझाइए ना, इस देश ने इतने भारी प्रचंड बहुमत से आपको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, जनता है, थोड़ा सा तो सोचिए इन लोगों के बारे में कि ये लोग क्यों बैठे हैं, क्या बात है और इतनी जिद क्या है? इतनी ऐसी कौन सी जिद है कि थोप नहीं है किसान के ऊपर? जब वो नहीं चाहते बात खत्म हो गई, सरकार को ऐसी क्या जिद है? बाकी चीजों में जनता ने कॉपरेट किया ही ना, नोटबंदी में कॉपरेट किया, GST में कॉपरेट किया, उन्होंने कहा थाली ताली बजाओ वो भी बजाई, कोविड टाइम में लॉकडाउन में कॉपरेट किया, इसमें किसान जो उनकी उनके अस्तित्व का सवाल है यहाँ पर, उसके पास कोई किसान के पास धरने के सिवा कोई चारा नहीं है और कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होते। मोदी जी ने किसानों से भी संवाद किया और उन किसानों ने कहा कि इन कानूनों से हमें फायदा मिलेगा। किन किसानों ने कहा, कौन से किसान, कौन से समाज, कोई आइडेंटिटी तो पता चले, कितनी जमीन है, कहाँ के रहने वाले हैं, किसी के किसान की आइडेंटिटी पता चली, आइडेंटिटी तो पता चले कौन किसान है?
तमाम राज्यों के अलग अलग जो वीडियो कॉन्फ्रेंस वो देखे हैं वो सब हमें भी देखे हुए हैं। उत्तराखंड से भी बहुत किसान आए, उन सब ने माफियां मांगी हैं बाद में, और हमारे लोगों ने तो उनके ऊपर चूड़ियां फेंकने का काम किया। तो क्या लगता है जिस तरह से सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल, वो जो है खुद का साथ है, उद्योगपतियों का साथ है और उन्हीं का विकास है, आम जनता का विकास नहीं है इसमें कहीं भी। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि कानून लागू होने दीजिए, देखिए दो साल का वक्त दीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो उसके बाद विरोध कीजिए, अगर फायदा ना हो इससे आपके कानून वापस ले लीजिए, किसानों से वार्ता करिए, जो जो पॉइंट किसान चाहते हैं वो डलवा दीजिए, आपको क्या जल्दी है, बड़ा दिल रखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, आप इतने बड़े बड़े मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं, सोचिए ना, किसान नहीं चाह रहा मत थोपिए, वापस ले लीजिए, जिद की क्या बात है इसमें।